उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर इजरायली सेना और लेबनान के संगठन हिजबुल्ला के बीच चल रही लड़ाई अब जंग के मुहाने पर पहुंच चुकी है। दरअसल हिजबुल्ला ने एक साथ इसराइल पर 100 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट से हमला किया है और इस हमले से पहले आईडीएफ ने लेबनान के भीतर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद से ही हिजबुल्ला ने इसराइल पर जवाबी हमलों की बौछार लगा दी है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने इजरायली सेना के ऊपर एक और बड़ा अटैक किया है। दरअसल 12 मार्च 2024 को हिजबुल्ला ने इजरायल के भीतर 13 बड़े हमले किए हैं और इन हमलों के दौरान इजरायल का एक ड्रोन भी लेबनान के हवाई क्षेत्र में घूमता पाया गया था, जिसे हिजबुल्ला ने इंटरसेप्ट कर लिया था। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके लड़ाकों ने माउंट अदीर में आईडीएफ पर एक मिसाइल से हमला किया है, जिसके डर से कई इजरायली सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। हिजबुल्ला ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने बुरकन रॉकेट से इजरायल की ब्रेनिट और जेबदीन सैन्य अड्डे पर हमला किया है। ये दोनों ही मिलिट्री बेस शेबा फार्म्स में हैं, जो फिलहाल इसराइल के कब्जे में हैं। हिजबुल्ला शेबा फार्म्स को लेबनान का हिस्सा बताता है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले के अलावा हिजबुल्ला ने कफार चौबा हाइट्स में रुएसत अल आलम सैन्य अड्डे पर भी हमला किया है। और हिजबुल्ला के ये हमले यहीं नहीं रुके, बल्कि उसने जार बैरेक्स और हदाब यारिन अल रहबा मिलिट्री साइट्स पर भी ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके इस हमले में आईडीएफ को गंभीर नुकसान हुआ है। इन सैन्य अड्डों के अलावा हिजबुल्ला ने इसराइल के जल अल अलम और बिरकेत रिशा टोही सैन्य अड्डों पर भी तगड़ा हमला किया है। हिजबुल्ला के मुताबिक इन हमलों में इजरायली सेना के जासूसी उपकरणों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अचानक हिजबुल्ला इसराइल पर इतने ताबड़तोड़ हमले क्यों कर रहा है? तो आपको बता दें कि हिजबुल्ला के इन हमलों से पहले इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बालबैक इलाके में एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें से 2 लोग हिजबुल्ला के सदस्य थे। और इस हमले के बाद 12 मार्च 2024 को पहले तो हिजबुल्ला ने एक साथ इसराइल पर 100 कत्यूशा रॉकेट दाग दिए और उसके बाद आईडीएफ के एयर डिफेंस सिस्टम कमांड सेंटर, किला बैरिक और योआव हथियार भंडारण सेंटर पर भी हमला कर दिया।